हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रिलियंट ब्यूटी पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके लिए जो हम वीडियो डालते हैं वो कितने फायदेमंद होते हैं, ठीक है। और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो का क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों वो है हमारे क्लियर फेस के लिए, ठीक है। कौन नहीं चाहता कि हम क्या है बिल्कुल सुंदर दिखें, ठीक है। हमारी त्वचा है जो बेदाग हो, बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है, हर कोई चाहता है। तो उसके लिए आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्या है आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करे, दमकदार हो, ठीक है, आपके चेहरे पे जो भी पिंपल्स वगैरह के निशान है वो ना हो, बिल्कुल स्किन क्या है आपकी क्लियर हो, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं फेस पैक तैयार करूँगी आपकी क्लियर स्किन के लिए, ठीक है। उसका यूज़ करके आप क्या है अपनी स्किन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बेदाग कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ग्लोइंग कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेनी है देखो मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। मेरे पास ये घर में वो पेस्ट नहीं था तो मैंने इसको क्या है पहले भिगो दिया है, तो ये ऐसी हो गई थी, ठीक है। मैंने इसको पानी में भिगो दिया था तो ये देखो ऐसे पेस्ट सा बन गया था इसका, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लेनी है, एक चम्मच आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी। अगर आप गर्दन पे भी लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने लिया है एक मुल्तानी मिट्टी। और दूसरा जो हमने लेना है इसमें वो लेना है एलोवेरा जेल, ठीक है। हमारी स्किन के लिए ये कितने फायदेमंद होता है ये आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमने लेना है एलोवेरा जेल। और जो तीसरी चीज़ है वो लेनी है हमें रोज़ वाटर, ठीक है। रोज़ वाटर का तो पता ही है आपको अपनी स्किन के लिए क्या है ये कितना फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, अपने फेस के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है ये, ठीक है। वैसे भी आप अपनी हर रोज़ अपने फेस पे एक बार या दो बार रोज़ वाटर का यूज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, इसका आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये कॉटन के साथ आप अपने फेस पे इसको ज़रूर लगाइएगा या सोने से पहले भी आप रोज़ वाटर से अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं, रोज़ वाटर अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम अपना पेस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमने ली है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे अब एलोवेरा जेल, ठीक है। हमने थोड़ा सा क्या है इसमें एलोवेरा जेल डाल देना है, ठीक है, अपनी स्किन के अनुसार डाल लीजिए। और फिर क्या डालना है, हमने इसमें रोज वाटर डाल लेना है, ठीक है, देखिए। और इसका हमने क्या करना है, पेस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ी सी भीगी हुई थी ना मुल्तानी मिट्टी पहले ही, आप चाहे तो इसको रोज वाटर में भी आप भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल पानी में भिगोया था पहले, क्योंकि आपको क्या है वीडियो में बताना था कि रोज वाटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको ऐसे पूरी को फेंक लीजिए आप। ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा ये क्या है पेस्ट तैयार हो गया है, ठीक है। इस तरह आपने पेस्ट तैयार करना है। और फिर क्या करना है, हर वीडियो में आपको बताती हूँ क्या करना है फेस पैक लगाने से पहले, ठीक है। कुछ भी आप मेकअप वगैरह जो भी लगाते हैं अपने फेस पे, वहाँ वो लगाने से पहले क्या है अपने फेस को अच्छे से क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है। अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए और फिर क्या है इस फेस पैक को आप अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए, ठीक है। ऐसे अपने चेहरे पे, पूरे चेहरे पे, या आप गर्दन पे चाहें तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अंडर आर्म्स पे चाहें वहाँ पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसका अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। तो 20 मिनट के लिए सूखने तक इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। जब तक ये क्या है सूखे ना, आपने इसको छोड़ देना है। और सूखने के बाद नॉर्मल पानी से आपको क्या करना है, अपना फेस वॉश करना है, ठीक है। अब देखोगे कि आपके चेहरा क्या है सिर्फ बिल्कुल मतलब चमकने लगा है, ठीक है। ये नहीं कहते कि मैं एक बार ही फेस पैक लगाऊं और आपका चेहरा क्या बिल्कुल चमकेगा, नहीं, आपको हफ्ते में 2 या 3 बार तो ज़रूर यूज़ करना है ये, ठीक है। आप 4-5 बार कर सको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। 3-4 बार यूज़ कीजिए और
आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके जो भी स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल्स के निशान है, झाइयाँ हैं, ठीक है, डार्क सर्कल हैं, ठीक है, तो आपका क्या है, जो आपके चेहरे पे क्या काली परत जम गई है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, ब्लैक हेड्स हो गए हैं, ठीक है, जो भी दिक्कत है क्या है आपकी, ठीक हो जाएगी इस एक पैक से, ठीक है। आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, 20 मिनट लगा के सूखने तक इसको छोड़ दें और फिर नॉर्मल पानी से आप अपना चेहरा वॉश कर लें, ठीक है। अगर आप अपना फेस बिल्कुल क्लियर देखना चाहते हैं तो इस पैक का इस्तेमाल ज़रूर करके देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितना लाभदायक हुआ है, ठीक है, कितना आपके चेहरे में इस फेस पैक को लगाने से आपके चेहरे में कितनी चेंजिंग आई है, ये ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, लगाइए और इस्तेमाल कीजिए, बताइएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।